नमस्कार, होम डेकोर आइडियल देसी अंदाज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको किचन प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म के पीछे की जो दीवार रहती है, ये टाइल्स लगी हुई, ये साफ करना बताऊंगी। आप देख सकते हो रोज़ की सब्जियां बना के इसमें छींटे उड़ जाते हैं और काफ़ी सारा दाग और धब्बे हो जाते हैं। इस टाइप से वो जल्दी साफ़ नहीं किए तो काफ़ी सारे पक्के हो जाते हो वो, और इस टाइप से देखिए ये हो जाता है, बहुत चिकनाहट है ये, आप देख सकते हो काफ़ी सारा चिकनाहट भरा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें भी आप देख सकते हो, जल्दी अगर साफ़ नहीं करते हैं हम बार बार तो इस टाइप से बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा चिकनाहट है इधर, ये सारा मैं साफ़ करना बताऊँगी अभी एकदम ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी होने वाला है और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने वाटर बॉईल कर लिया है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप वाटर ले सकते हो। ये देखिए मैंने बॉईल कर लिया है और मैंने एक कंटेनर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें मैं वाटर डालूँगी गर्म किया हुआ, और इस वाटर में गर्म पानी में मैं डालूँगी कॉस्टिक सोडा, इसको आप कपड़े धोने का सोडा भी बोल सकते हो। ये मैं 1-2 टेबलस्पून डालूंगी। ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे या ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएगा आपको। ये देखिए रिएक्शन हो रही है इसमें और गर्म पानी में ये बहुत जल्दी घुल जाता है। कॉस्टिक सोडा डालते टाइम बस यही प्रिकॉशन लेनी है कि हाथों में ग्लव्स पहनने हैं, क्योंकि ये बहुत इरिटेशन होता है नहीं तो हाथों में। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से घुल गया है ये। अब ये मैंने स्कॉच ब्राइट लिया है और इसकी हेल्प से मैं सारे प्लेटफॉर्म को इस टाइप से लगा दूंगी। पानी थोड़ा हल्का सा ठंडा होने दीजिए, बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं और क्योंकि हमने गर्म किया था उसको। इस टाइप से मैं पूरे प्लेटफॉर्म को इसको लगा लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हो ये पानी कितना मैल छूट रहा है, इसमें बहुत गंदा हो गया है पानी, जो प्लेटफॉर्म का जो मैल था वो सारा इसमें आ गया है। इसी टाइप से आप सारे प्लेटफॉर्म को लगा लीजिए। ये देखिए मैंने सारे प्लेटफॉर्म को ये लगा लिया है सॉल्यूशन जो हमने बनाया था कॉस्टिक सोडा और हॉट वाटर का इस टाइप से। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको स्कॉच ब्राइट की सहायता से या फिर आप दूसरा भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, और इस टाइप से हम बस घिस लेंगे इसको। कुछ ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं, आसानी से ये निकल जाता है। बस इस टाइप से थोड़ा सा हमको हाथ उस पर फेरना पड़ेगा। इसी टाइप से मैं सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्कॉच ब्राइट की हेल्प से हाथ फेर लूँगी। देखिए इसी सॉल्यूशन से हम ये ऊपर का जो टाइल्स है हमारे गैस स्टोव के पीछे की, इसको भी हम लगा देंगे इस टाइप से, यही वाला सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा और हॉट वाटर का। देखिए काफ़ी चिकनाहट आधी तो लगाते ही निकल रही है और बाकी मैं इधर भी लगा दूंगी। ये देखिए बस हमको इसको लगाना है ऐसे स्कॉच ब्राइट्स के हेल्प से, और इसको 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले मैं सारे इसको लगा दूंगी। अब 1 मिनट हो गया है और इसी सॉल्यूशन से हम जो 1 मिनट के लिए छोड़ा था आप देख सकते हो, इसको मैं बस स्कॉच ब्राइट की हेल्प से बस हाथ ही फेर रही हूँ तो इतने अच्छे से निकल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा घिसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसमें, बहुत आसानी से जिद्दी दाग निकल रहे हैं। और ये सॉल्यूशन जो है बहुत ही फायदेशीर है, किचन की कोई भी चिकनाहट भरी वस्तु है जो रहती है वो हम आसानी से इससे साफ कर सकते हैं इसी सॉल्यूशन से। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा मैंने किचन चिमनी भी इसी सॉल्यूशन से साफ़ की थी,
बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। देखिए इसी टाइप से मैं जो सारा मैंने लगाया था सॉल्यूशन जहाँ जहाँ किचन की टाइल्स के पीछे प्लेटफॉर्म के हमारे गैस स्टोव के पीछे वो आसानी से निकल घिस रही हूँ मैं। ये देखिए आसानी से निकलता जा रहा है, बहुत ही जल्दी निकल रहा है। देखिए अब मैंने प्लेटफॉर्म रब कर लिया और ये पीछे की जो टाइल्स थी चूल्हे की पीछे की ये भी मैं अब धो रहे हैं। बस हम देखिए बस पानी डाल के इसको धोना है। इस टाइप से हम सारी टाइल्स धो लेंगे और इस टाइप से प्लेटफॉर्म भी धो लेंगे ऐसा पूरा। ये देखिए मैंने सारा वाटर से मैंने पानी से धो लिया है, प्लेटफॉर्म भी मैंने धो लिया है इस टाइप से। और ये बाद में हम एक नैपकिन लेंगे ड्राई और इसको इस टाइप से पोंछ लेंगे। बस सारी जो हमारी टाइल्स हैं ये देखिए काफ़ी चमक रही है सारी और सारे जो दाग धब्बे थे वो सारे निकल गए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकल रहे हैं सब। इसी टाइप से मैं प्लेटफॉर्म भी पोंछ लूंगी। देखिए इस सॉल्यूशन से हमने कितने आसानी से कितने ज़्यादा चिकनाहट भरे और जिद्दी डाग बहुत जल्दी से छुड़ा लिए। ये देखिए कितना अच्छे से ये निकल चुका है सारा, कितना ज़्यादा चिकनाहट भरा था मेरा दीवार प्लेटफॉर्म ये, और ये प्लेटफॉर्म भी कितना अच्छे से निकल चुका है आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से निकला ये। और ये बस कपड़े धोने का सोडा और हॉट वाटर हमने मिक्स करके ये सॉल्यूशन लगाया था और एक मिनट के लिए छोड़ के रब करके अच्छे वाटर से धो लिया था। देखिए बहुत ही अच्छे से निकल चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। आप भी इस तरीके से आपका जो किचन का प्लेटफॉर्म है और जो चूल्हे के पीछे की जो जगह रहती है ये दीवार वो करके देखिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।